गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत सी सुबह के साथ। और आज मौसम का हाल ये है, आज बादल लगे हुए हैं और शायद कुछ दिनों में स्नोफॉल भी हो सकता है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं घास निकालने। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी हम आ गए हैं जंगल में और घास लेने के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ और भी काम करने वाले हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ रास्ते में और जंगल में पड़ी हुई है सूखी पत्तियाँ पेड़ से झड़ के, और इन पत्तियों को अब हम इकट्ठा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो इनको जानवरों के नीचे से बिछाते हैं। और जानवरों के लिए, यानी कि गाय भैंस जो भी पालतू हमारे मवेशी होते हैं, तो उनके नीचे से इन्हें बिछाया जाता है ताकि उनको भी ठंड ना लगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दादी ऑलरेडी इकट्ठा करने लग गई है और अब मैं भी काम शुरू करती हूँ। जंगल बांज बुरांस और काफल का जंगल है, यानी कि इस जंगल में बांज बुरांस और काफल के ही पेड़ मिलते हैं। और ये हैं सूखी पत्तियाँ, और ये है हमारी चिंगेरी, इसमें हम पत्ते इकट्ठा करेंगे। इस घास की बात मैं कर रही थी, वो है ये, और ये है पराल। और ये देखिए दादी पेड़ पे जाते हुए। इतने सारे पत्ते मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और अभी ये सारा इस एरिया का करना है। ये देखिए, सामने पहाड़ों पर बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है। और ये सारे पत्ते इस पेड़ के हैं, पूरा पेड़ अब खाली हो चुका है बिना पत्तों का। इस तरीके से दादी अब पत्ते चिंगेरी में भर रही है। और इन पत्तों को गढ़वाली भाषा में बोला जाता है पथेले। और ये देखिए, हमारी पथेले की चिंगेरी तैयार हो गई है और अब हम चलते हैं घास बांधने। और अब हम आ गए हैं पराली को इकट्ठा करने। और ये है हमारे पास रस्सी, इसको बोलते हैं हम जूड़ा। और इस जूड़े पे अब हम पराली को बांधेंगे और उसको बोलते हैं भारा लगाना। और ये तैयार हो गई है भारी, एक भारी मैंने लगा दी है। और ये हम पहुंच गए हैं गौशाला में, और ये हमारी गौशाला है, और ये हमारी गाय, और ये हमारा बौड़ मतलब बछड़ा। ये तो खा रहा, ये यहाँ देख दे काफल खा रहा। तो अभी मैं आ गई हूँ घर और अब मैं चलती हूँ नहाने। अब मैं आ गई हूँ नहाकर और धूप भी आ गई है देखिए, और अब मैं फटाफट से लंच बनाती हूँ और लंच करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दूसरे दिन से। अभी मैं हूँ अपनी गौशाला में कि आज हम जा रहे हैं घास काटने। तो आज हमने बहुत दूर जाना है, ये सामने जो आपको पहाड़ी दिख रही है यहाँ हमने जाना है। और देखिए अभी हम कितनी हाइट पर आ गए हैं, और यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये ऊपर बेथरा गाँव दिखने लग गया है, और ये सामने दिख रहा है हमारा घर, ये ऊपर रेंस गांव भी दिखने लग गया है। अब हमें काटना है ये घास, तो अब मैं भी फटाफट से काम पर लग जाती हूँ। अब हमने घास काटने का काम भी पूरा कर लिया है। और जो आप ये बंजर देख रहे हैं, ये पहले बंजर नहीं हुआ करते थे बल्कि खेत हुआ करते थे, और यहाँ नीचे तक पूरे खेत हुआ करते थे, पर यहाँ तक लोगों ने बंजर छोड़ दिया। और अब सबसे नीचे कुछ कुछ ही खेत हैं जहाँ लोग अभी खेती करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि पहले पहाड़ों के लोग कितनी दूर दूर तक खेती किया करते थे, और घास काटने के लिए लोग इतनी दूर ऊपर पहाड़ों में जाया करते थे। अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ लोगों ने खेत बंजर छोड़ दिया है दूर दूर के, और करके भी कोई फायदा नहीं है। कुछ बोते हैं तो लंगूर, जंगली सुअर, बंदर फसलों को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो अब लोग इन खेतों को बंजर छोड़कर यहाँ पर घास काटते हैं और अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो यही सब मुझे आपको बताना था। तो चलिए अब हम भारी भी लगाते हैं और घर को चलते हैं। ये मैंने लगा दी है चिंगेरी, और मेरे पीछे आ रही है दादी, और अब हम जा रहे हैं घर। तो अब हम पहुंच गए हैं घर, और गौशाला में हमने यहाँ पर घास रख दिया है, और अब दादी इसे अंदर संभाल देगी।
और अब चलते हैं घर, और घर जाके लंच करेंगे। तो अभी हमने लंच भी कर लिया है और अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। कमरे में ही कितनी अच्छी धूप आई हुई है, तो अब मैं रेस्ट करती हूँ और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।